मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत वैज्ञानिकों ने कोविड 19 की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर कहां से आएगी और कोविड 19 का वेरिएंट कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। देश भर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पर काबू पाने के उपाय किए जा रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर गांव इलाकों से आएगी। गांव में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में लोगों का इलाज कर रहे हैं। जब मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है। डॉक्टर से 10 दिन तक इलाज कराने के बाद मरीज का अस्पताल पहुंचने पर मृत्यु दर भी बढ़ रही है। पेंडेमिक कोविड महामारी से पूरी दुनिया पूरा देश परेशान है। विपत्ति एक पूरे मानवता पे आई हुई है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मास्क लगाएं, 2 फीट की दूरी बनाए रखें, हाथ सैनिटाइज करें और प्लीज़ घर में ही रहें। इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, कि शासन प्रशासन ध्यान दे और जो पूरी तरह से देवदूत डॉक्टरों को जो आरएम के डॉक्टर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन डॉक्टरों को इलाज करने की जो छूट शासन प्रशासन ने दी है उसकी ओर शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह नीचे तक जाए और उन डॉक्टरों के पास जाकर उनकी सर्चिंग करें कि वह किस प्रकार से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तीसरी पीक जैसे कि और कंट्रीज में इंडिया से पहले आ गया था पहली बार भी कोरोना, तो उसी के हिसाब से चलते हुए जैसे अभी अमेरिका वगैरह में तीसरी बार आ गया है, तो ऐसा चल रहा है कि तीसरी लहर भी इसकी आएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इंडिया में साथ में ही दूसरी लहर के साथ में ही मतलब खत्म होने के बाद तीसरी शुरू हो जाएगी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कोई अभी प्रमाणित तो नहीं हुआ है, पर उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि यूथ जो है और जो कम उम्र वाले हैं उन लोगों को ज्यादा वो अटैक।